इनके विचार नशा मुक्ति हो जाए, ये सब ठीक है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रामपाल जी अपने जैसे यहाँ पे होता है कि किसी के पैर मत छुओ, सिर पे हाथ मत रखो, ये सब तो जरूरी है कि पैर नहीं छूना। तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि हम रामपाल जी पैर छूने के लिए क्यों मना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऐसा फंडी पर, मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पीलीभीत तहसील के गांव 24 पीवन ए में, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य के अंदर एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों अपनी पूरी कवरेज करेंगे और जानते हैं आज जो सत्संग के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और कौन कौन लोग इस सत्संग में आए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। साथियों हम सत्संग पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज के कुछ शास्त्र रखे हुए हैं। इन शास्त्रों के बारे में अपने जानेंगे और इन जो श्रद्धालु से बातचीत करेंगे और जानेंगे इन पुस्तकों के अंदर क्या कुछ विशेष बातचीत है। जहां संत रामपाल जी का अक्सर अपने देखते हैं कि सत्संग होता है, वहां इनकी जो पुस्तकें रखी होती है। तो अपने यहां पे कुछ श्रद्धालु जन जुड़े हुए हैं, इनसे अपने बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम दास। कहाँ से हो सर आप? हनुमानगढ़ से। सर यहाँ पे आप किस लिए आए हो? पहले पुस्तकों को बेच रहे हो क्या आप? नहीं, ये हमारे गुरुजी के द्वारा जो निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही है उनके प्रचार हो रहे हैं सत्संग के अंदर। सर ये आप प्रचार क्यों कर रहे हो? ये हमारे गुरुजी का देश है कि जैसे पुस्तकों का ज्ञान है जो पूरे भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर पहुँचाना है। सर इस पुस्तकों के अंदर क्या कुछ विशेष है? इसके अंदर ये जीने का पुस्तक है, इसके अंदर अपने जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उनके ऊपर बताया गया है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो गया, दहेज कुरीति हो गई, और जैसे नशा वगैरह करते हैं, उससे इस किताब को पढ़ने के बाद में नशा सब वगैरह छुट्टा रहता है। जी सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर साहब क्या नाम आपका? मांगीलाल। सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हमने अक्सर देखते हैं कि गांव-गांव में सत्संग लगवाते हैं, तो इनका क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी का? सर उद्देश्य जो है वो एक तो जातिवाद का जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ठीक है सबका एक ही धर्म है, एक ही पिता के संतान है हम सब, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये उद्देश्य है। दूसरी बात है कि जो दहेज प्रथा है वो बिल्कुल भी उससे मुक्त, जो शादी के अंदर खर्चा लगता है उससे दहेज मुक्त विवाह करवाना। यस। जैसे कि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कुछ नारे भी होते हैं कि जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं नारा, तो क्या सर इस पे संत रामपाल जी के शिष्य जो खड़े उतर रहे हैं या फिर एक कहने के लिए नारा है? बिल्कुल सर। हम कैसे मान सकते हैं सर? सर देखो हमारे जो भी है, हमें जो शादियाँ की है अभी मेरी खुद की भांजी की शादी की है, तो हमने कोई जातिवाद का या हमने नहीं रखा और आगे से भी हम रखेंगे भी नहीं। जो भी शादी है तो मेरी खुद की जो भतीजी है उसकी शादी हमने की है, भांजी की भी की थी, हमने कोई जाति पाति या भेदभाव हमने नहीं रखा और कोई बगैर खर्चे के बगैर दहेज के हमने शादियां की है और लड़कियां बिल्कुल खुश है, अब उनके बच्चे भी हैं। जी सर धन्यवाद। सर साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ से हो आप? जी मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से। राजस्थान हनुमानगढ़ से आपसे जानना चाह रहे हैं जो ये कार्यक्रम ये कहाँ पे हो रहा है? ये कार्यक्रम हनुमानगढ़ के जिले तहसील में एक छोटे से गांव में होता है। सर ये गांव आपकी का है क्या? हाँ जी। सर आपसे जानना चाह रहे हैं क्या आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई है क्या? नहीं ली। सर तो आप यहाँ सत्संग में क्यों आए? सत्संग में बस सत्संग को घूमने आए, रथ विचार के बारे में छोटा एक अच्छा विचार है सत्संग में कुछ अच्छा सुनने के लिए। आपको यहाँ पे आपने कहा कि अच्छे विचार सुनने के लिए, तो आपको यहाँ के जो विचार थे संत रामपाल जी को वो कैसे लगे? विचार अच्छे हैं वैसे तो, और वैसे ठीक है विचार। अच्छा ठीक है। तो सर और आपके यहाँ जो भी भक्त आ रहे हैं उनका आपके प्रति कोई गांव वालों के प्रति कोई व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था अपना, तो क्या पता नहीं आपके साथ कैसा व्यवहार था? मेरे पास ठीक था। और क्या बताना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के बारे में? और तो ठीक है, वैसे आप मुझसे ज्यादा जानते हो और मेरे लिए तो सब कुछ ठीक ही है, और विचार है तो उनके विचार नशा मुक्ति वगैरह ये सब कुछ ठीक है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रामपाल जी अपने जैसे यहाँ पे होता है कि किसी के पैर मत छुओ, सिर पे हाथ मत रखो, ये सब कुछ जरूरी है क्या?
तो इसी का प्रश्न का जवाब हम यहाँ पे जो लोग आए हुए जो संत रामपाल जी के अनुयायी है उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। एक प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पैर नहीं छूना, तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी पैर छूने क्यों मना करते हैं? पैर सिर्फ गुरु के सतगुरु के छोड़े हैं, पैर या गुरु परमात्मा के भी साथ के छोड़े और किसी के पैर नहीं छोड़े। पैर छोड़ने से अगला पैर छूता था अपनी कमाई जाती है, जो भक्ति कमाई है वो अगले में चली जाती है। आशीर्वाद देंगे तो अगले में कमाई चली जाएगी, वो खाली हो जाएंगे। जैसे पानी की बोतल है, बोतल में पानी औरों में पिलाएं तो वो खाली हो जाएगी, कैसे रह जाएंगे। इसी प्रकार जो पैर छूता है अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी कमाई चली जाती है। अपने को गुरु जी कह रहे हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है, सतगुरु रामपाल जी महाराज परम संत गुरु के हैं। परम संत इस परमात्मा गुरु जी के बराबर और कोई नहीं है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई संत। पैर छुएंगे तो सतगुरु के छुने हैं, और जो कोई आम आदमी के पैर छुए या कोई भगत का पैर छुए तो भगत का आशीर्वाद या तो कमाई चली जाएगी अगले में, जब वो खाली रह जाए। यहाँ से धनी बनना है, गुरु जी का कहना है, परमात्मा कह रहे धनी बनो और सतलोक धनी बन के जा सकते हैं। नमस्कार, क्या नाम आपका? रघुवीर। कहाँ से हो आप? 26। सर पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई है क्या? नहीं साहब, नहीं ली है। अच्छा नहीं ली, तो सर आपसे जानना चाह रहे हैं जो आज का सत्संग का कार्यक्रम आपको कैसे लगा? बढ़िया लगा साहब, अच्छा लगा। सर आपने यहाँ पे क्या कुछ देखा आज? बहुत कुछ देखा, बहुत गान सुना। अच्छा एक चीज आपसे हम देखना चाह रहे हैं, आप विकलांग हो तो यहाँ पे किस प्रकार आए यहाँ पे सत्संग पे? यहाँ पे हमारे चाचा जी के साथ आए थे। आप चाचा जी के साथ आए, बाकी आपके साथ यहाँ पे जो भक्त थे उनका कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? बढ़िया रहा था। और क्या बताना चाहते हो सत्संग के बारे में आप? बढ़िया है, अच्छी है, ये बढ़िया है, भगवान का नाम है। और जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे क्या वो सही बता रहे थे क्या? सही है जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमने आपसे जो मुलाकात करवाई, जो ये गांव दूसरे गांव से आए हुए थे जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं थे, इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी ने जो सत्संग का कार्यक्रम में जो भी बात बताई वो सही लगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपसे विदा, धन्यवाद।